आज के इस एक्साइटिंग नए पॉडकास्ट में आप सबका बहुत स्वागत है। हम बहुत लोग कोशिश करते हैं कि रोज़ एक फ़िटनेस रूटीन बनाएं और उस फिटनेस रूटीन में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं हमारा ये जो जिम कल्चर है। और मैं खुद फिटनेस का बहुत शौकीन हूँ, अपने आप को फिट रखने में विश्वास रखता हूँ और उसके लिए मैं जितना हो सके अपने पूरे दिन में से कुछ वक्त ज़रूर निकालता हूँ कि मैं जिम जाऊँ, वेट लिफ्टिंग करूँ, क्योंकि मुझे वेट लिफ्टिंग करने से बहुत अच्छा महसूस होता है, मुझे तगड़ा महसूस होता है। अमनजोत, स्वागत है आज का आपके शो में। थैंक यू वेरी मच रश्वी जी, थैंक यू वेरी मच। विमेन फिटनेस के ऊपर जब हम बात करें तो विमेन कैसे अपनी फिटनेस को अप्रोच करती हैं जब वो जिम आते हैं? देखिए, अगर मैं मेजॉरिटी ऑफ वुमेन की बात करूं तो फैट लॉस के लिए ही आती हैं फीमेल्स, बट आजकल थोड़ा इंडिया में ट्रेंड चेंज हो रहा है कि जो हमारी यंग लड़कियां हैं 20 से 27-28 साल तक, वो लोग इवन मसल बॉडी बिल्डिंग में भी जा रही हैं और वेट्स उठाने से उनको डर नहीं लगता। बट अगर फिर भी मैं ओवरऑल बात करूं तो जो फीमेल्स आती हैं वो ज़्यादातर फैट लॉस के लिए ही आ रही हैं हमारे पास, और उनके वही कॉमन से क्वेश्चंस होते हैं कि आप, हमने वेट ट्रेनिंग नहीं करनी, हमने सिर्फ कार्डियो ही करना है, हमने सिर्फ क्लासेस ही लगानी है क्रॉसफिट की, हमने डांस या भंगड़े से वेट कम करना है। तो ऐसी चीज़ें हमें, ऐसे इश्यूज जो है उनको काउंसलिंग के साथ उन्हें समझानी पड़ती हैं चीज़ें, कि ऐसा नहीं होता कि आप डंबल उठाओगे तो आप लड़कों के जैसे बाइसेप्स बन जाएंगे आपके। बट यस, ये चीज़ हमें बहुत फेस करनी पड़ती है, आई थिंक काफ़ी टाइम तक हमें इंडिया में ये चीज़ फेस करनी पड़ेगी। तो जैसे मैं आज की ही बात करूँगा कि सुबह जब मैं जिम में था और मैं वही देख रहा था कि पूरे फ्लोर में, यानी कि 20 से 22 पुरुष थे मेल्स और हार्डली एक फीमेल थी जो कहूँगा कि जो वेट फ्लोर पे थे, कि वो ऐसी कोई ट्राइसेप एक्सटेंशन की एक्सरसाइज कर रही थी। तो वेट्स को यूज़ करके वर्कआउट करने से ये झिझक क्यों है? देखिए, जो मेनली ये जो झिझक बनी हुई है कि लड़के ज़्यादातर, आपने देखा है कि ये एक मेल डोमिनेंट स्पोर्ट है, तो उनको ऐसा लगता है कि अगर हम वेट ट्रेनिंग करेंगे, डंबल्स उठाएंगे, तो उनके भी लड़कों जैसे बल्जिंग बाइसेप्स बन जाएंगे। बट जो पीछे साइंस है इसके, दैट इज़ वो जो एक मेन मेल हार्मोन है जो सिर्फ मेल्स में पाया जाता है, जिसकी वजह से वो बल्किनेस और वो मसल बिल्डिंग जो हम करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं मेन में, वो आते हैं टेस्टोस्टेरोन की वजह से, वो फीमेल्स में होता है, बट लेकिन बहुत ही कम। तो वो चाहकर भी नेचुरली उतना मसल बॉडी पे चढ़ा ही नहीं सकते, चाहे वो, अगर उनकी स्ट्रेंथ अलाउ कर रही है, चाहे वो 2 किलो का डंबल उठाएं, चाहे वो 10 किलो का उठाएं। हाँ, उनकी बॉडी और ज़्यादा टोंड लगेगी, ये एक अच्छा साइड इफ़ेक्ट होता है वेट लिफ्टिंग का फॉर वुमेन। तो आइडियली आप जब भी विमेन या लड़कियां या मिडल एज्ड विमेन जब भी जिम आते हैं तो आप उन्हें एक आइडियल वर्कआउट में क्या रिकमेंड करते हैं? देखिए, पहले तो उनकी काफ़ी काउंसलिंग करनी पड़ती है, उनका एट प्रेजेंट फैट लेवल, उनकी अगर उनके पास कोई ऑलरेडी एक्सपीरियंस है लिफ्टिंग का या जिम का, वो सब कुछ पूछने के बाद मेडिकल हिस्ट्री वगैरह जाननी है, बिकॉज आजकल कुछ इशूज़ हैं जो हमारी जो यंग जनरेशन है फीमेल की, अप टू लगा लो आप 45 तक कुछ इश्यूज होते हैं, PCOD PCOS, हम बात करेंगे आगे सेशंस में उनके बारे में भी। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो एक अच्छा सेशन एक फीमेल के लिए बनता है, दैट इज़ जो मैंने देखा है, आप जो स्टार्टिंग करवानी है तो आप ओवरऑल सब कुछ करवाइए उन्हें, मिक्स जिसे हम कहते हैं देसी भाषा में, कि आपने 2 चेस्ट की लगवा दी, 2 लेग्स की लगवा दी। उसका रीज़न ये रहता है कि वो उतना हैवी लिफ्ट नहीं कर सकते। अगर आप बेसिकली उनको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में लेके जा रहे हो तो कोशिश कीजिए डबल बॉडी पार्ट, कोशिश कीजिए फुल बॉडी वर्कआउट्स, बिकॉज वो उतना हैवी नहीं उठाएंगे तो वो रेजिस्टेंस नहीं बनेगी, वो इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। कोशिश कीजिए एक अपर बॉडी वर्कआउट, एक चेस्ट की लगवा रहे हो साथ में एक लेग की लगवा दो, ये नहीं कि अकेली चेस्ट पे ही चल रहे हो, बिकॉज वही दिक्कत है कि लड़कों को आप अकेली चेस्ट भी लगवाओगे दे कैन लिफ्ट हैवी, और वो आपको ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं करते। आप लड़कियों को ज़रा सा आप ज़्यादा एक ही बॉडी पार्ट को ज़्यादा लगवाने लग जाओ और कह दो 2.5 के बाद 5 का उठाना है अब आपने, तो उनको वहीं उनकी आंखें थोड़ी सी ऐसे हो जाती हैं कि नहीं सर, इतना हैवी तो मैंने नहीं उठाना। तो जो एक अच्छी रूटीन रहती है फीमेल्स के लिए, बिगनर फीमेल्स के लिए, वो यही है कि फुल बॉडी वर्कआउट एक दिन करें, अगले दिन वो अपने एब्स और साइड्स हिट करके जाएं, एक दिन अपना वो कोई डांस या एक्टिविटी में जिसमें उनको अच्छा लगता है वो कर लिया करें। तो अगर मैं कहूं कि वेट, मैं पूछूं रादर कि वेट्स उठाने से फीमेल बॉडी पे एग्जैक्टली क्या असर पड़ता है और आप कितनी वेट लिफ्टिंग रिकमेंड करेंगे? दैट इज़ सेम जो आप मेल बॉडी पे देखते हैं, बट हाँ, आपको उतने प्रोपोर्शन में नहीं मिलेगा। अगर एक लड़का वेट लिफ्टिंग करता है, कुछ टाइम उसको हो गया है, और सेम टाइम अगर सपोज हम एक टाइम पीरियड लेके चलते हैं 6 मंथ्स का, दोनों इकट्ठे ज्वाइन करते हैं, दोनों एक तरह की डाइट ले रहे हैं, दोनों एक ही लेवल पे हैं, तब भी आप ये देखोगे
कि लड़का जो है उसके बाइसेप्स काफ़ी ह्यूज लगने शुरू हो गए हैं और जो फीमेल है वो कंपैरेटिवली बहुत लीन लग रही है जब से वो आई थी, अगर आप उसका सेल्फ कंपैरिजन करेंगे तब भी और कंपैरेटिवली लड़के के तो बहुत ज़्यादा वो लीन लगेंगी। बट जो फ़ायदा है वेट लिफ्टिंग का, दैट इज़ जब आप वेट लिफ्टिंग करते हैं, आप वेट्स को उठाते हैं, आप मसल्स को ट्रेन कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो आपको बाद में जो आपके मसल्स को रिपेयर करने में जो लगने हैं आवर्स, दैट इज़ अप टू लाइक 48 to 72 आवर्स जो लगते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं। उसे ईपॉक इफेक्ट कहा जाता है, EPOC, दैट इज़ एक्सेस पोस्ट ऑक्सीजन कंजप्शन, जो बॉडी यूज़ करती रहती है आफ्टर लिफ्टिंग भी। तो जो कैलोरी बर्न इफेक्ट है वो ड्यूरिंग वर्कआउट भी रहता है एंड आफ्टर वर्कआउट फॉर मैनी आवर्स रहता है। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीजन्स कि हम वेट लिफ्टिंग करनी चाहिए, और वेट लिफ्टिंग ऐसी करनी चाहिए जैसे हमारी कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, आप तो फेमिलियर होंगे, डेडलिफ्ट्स, स्क्वाट्स, इस तरह की हमें जो मल्टी और कंपाउंड लिफ्ट्स होती हैं हमारी बेसिकली, वो ज़्यादा करनी चाहिए अगर हमारा फैट लॉस पर्पस है फीमेल्स के साथ भी। तो जितने भी फीमेल्स या जितनी भी गुड लुकिंग लेडीज़ या वांट टू बी गुड लुकिंग लेडीज़ हमारा ये प्रोग्राम सुन रही हैं, तो वो आपसे बस वो मैजिक वर्ड सुनने के इंतज़ार में हैं कि अगर क्या वो वेट के साथ ट्रेन करेंगे, यानी कि आके सातों दिन कार्डियो ना करें, वेट्स के साथ भी ट्रेन करें, तो ए क्या उनका फैट लॉस होगा? बिल्कुल होगा उनका फैट लॉस, और कंपैरेटिवली वो जल्दी इंच लॉस बहुत जल्दी कर पाएंगे, उनके कपड़े बहुत जल्दी ढीले हो जाएंगे। और जो मेरे से मेन क्वेश्चन पूछा जाता है फीमेल्स का, अगर वो कहते हैं कि हम जैसे अगर मैंने किसी फीमेल को एक एक्सरसाइज बताई कि मैम आप पर्टिकुलर आर्म्स की एक्सरसाइज कर लीजिए, तो वो सबसे छोटा डंबल ढूंढती हैं जाके कि सर ये 2.5 है, अच्छा इससे भी छोटा है क्या कोई? तो वो जो हमारे जिम्स में वो पिंकी और वो ग्रीन से और येलो से वो डंबल्स होते हैं तो वो उनकी तरफ भागती हैं। मैं उन्हें कहता हूँ कि मैम आप शॉपिंग करने जाते हो? तो वो कहते हैं हाँ सर हम करने जाते हैं, बिल्कुल शॉपिंग करते हैं। मैं कहा मैम वो आपके जो बैग्स होते हैं ना वो इस डंबल से ज़्यादा भारी होते हैं जो आप ऑलरेडी उठाते हो, सब्जी के थैले, आपके प्याज के थैले, आपके शॉपिंग बैग्स जो होते हैं, तो आप बड़े आराम से लिफ्ट कर लोगे। जब उससे आपके पास बाइसेप्स नहीं बने तो इससे भी नहीं बनेंगे। तो मेरा जवाब होता है आप जैसे वो मुझसे तो कितना उठाएं, जितना उठा सकते हो उतना उठाओ, जस्ट गिव मी दोज रेप्स। अगर मैंने आपको कहा है कि मेरे को एक पर्टिकुलर सेट में 10 रेपिटेशन आपने देने, आप चाहे मुझे वो 20 किलो के डंबल से दे दो, वो वेट आपके लिए चैलेंजिंग होना चाहिए बस। कोई आपके मसल्स नहीं बनने लगे, आप लीन ही होगे, आपका गोल ही अचीव होगा। तो ये तो दिमाग से बिल्कुल ही निकाल दो कि आपकी बॉडी बन जाएगी लड़कों जैसी। बिल्कुल, तो ये बहुत ही मज़ेदार बात चल रही है। तो जनरली अगर आपने बताया कि जैसे एक मेल और एक फीमेल दोनों अगर लगभग सेम ड्यूरेशन वर्कआउट करते हैं और 6 महीने तक करते हैं, यानी कि दिन में 1.5 घंटा और 6 महीने तक, तो मेल बॉडी जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा मसल एम्प लगेगी, और फीमेल बॉडी ज़्यादा क्या कहेंगे, लीन साइड पे दिखेगी आपको, लीन साइड पे दिखेगी उनका अगर प्रोटीन इनटेक बहुत अच्छा है, डाइट बहुत अच्छा चल रहा है उनका। तो डाइट पे भी हम करेंगे बात आगे प्रोग्राम्स में। और मेजर जिम को लेके, जिम को ज्वाइन करने को लेके फीमेल्स के, विमेन के क्या अप्रीहेंशंस रहते हैं? देखिए इंडिया में एक छोटी, अभी कल ही मेरे साथ ये जिम में इंसिडेंस हुआ है, 2 फीमेल्स मेरे पास इंक्वायरी करने आई, और ये सिर्फ इन्हीं की नहीं होती, ये जिस आई थिंक मैं जिस इलाके में शायद उस एरिया में शायद ये थोड़ी मुझे ज़्यादा इंक्वायरी सुनने को मिलती है। तो वो लोग कहते हैं, थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक है बट फिर भी हम कवर कर लेते हैं इसको, कि लड़के वर्कआउट कर, मतलब लड़कियां कब आती हैं जिम में वर्कआउट करने? तो मेरा उनको ये क्वेश्चन होता है कि मैम आप जिम में वर्कआउट करने आए हो तो आप अपने वर्कआउट पे फोकस कीजिए। उनको ये होता है कि लड़कियां बहुत सारी होनी चाहिए तब हम कंफर्टेबली वर्कआउट कर लेंगे। तो ये आई थिंक दिमाग से बात निकाल देनी चाहिए, जब आप जिम में आते हैं इंटिमिडेटिंग फील मत कीजिए, सब आपकी तरह ही हैं, सब मोटे हैं, कुछ पतले हैं वो मोटे होने चाहते हैं, कुछ मोटे हैं वो पतला होना चाहते हैं, तो सबको कुछ ना कुछ दिक्कत है, वो बंदा तभी जिम आ रहा है। तो ये तो दिमाग से निकाल के आओ कि हमें ही सारे देखेंगे, सब अपने आप को देख के जिम में आए हैं, किसी और को देख के जिम में कोई नहीं आ रहा। तो फीमेल से ये मेरी बहुत हाथ जोड़ के बेनती है, आप जिम में आओ और अपने ट्रेनर्स के साथ वर्कआउट कीजिए खुल के, कोई वहाँ पर ऐसे नहीं होता कि आपको देख रहा है या आपको ही सारे देखेंगे क्योंकि आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं, आउट ऑफ शेप हैं, वहाँ सारे ही ऐसे हैं। तो इस लाइक वो तो बेस्ट प्लेस होनी चाहिए जहाँ आपके जैसे सारे घूम रहे हैं।
सब लेडीज के लिए, अगर आपको राइट ट्रेनिंग की जरूरत है या आपको अपने फैट लॉस गोल्स अचीव करने हैं तो आपको अपनी स्ट्रेंथ पे भी वर्क करना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था जो इस पॉडकास्ट के जरिए हम अपने दर्शकों तक लेके आना चाहते थे। अमनजोत से इस विषय पे जुड़ने के लिए मैं अमनजोत का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। अमनजोत थैंक यू। थैंक यू सर। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में और एक नए टॉपिक के साथ, अमनजोत सिंह के साथ। धन्यवाद।